घुर्रो को पीसी घुर्रो का तेल, तब वो दीदी में डेढ़ गिरदा के साथ वो पहली मुलाकात थी, और पहली मुलाकात ही इतनी अच्छी रही कि गिरदा इतने खुश हो गए, उन्हें दिल्ली IIT में एक मीटिंग रखी। मतलब हिमालय के बारे में सोच रहे हो और पहाड़ के बारे में सोच रहे हो। सबसे पहला पोस्टर हमने श्रीदेव सुमन को शहीद हो गए थे तो उनका पोस्टर पहले हमने लॉन्च किया। 100 साल पहले या 200 साल पहले जो ताम्रपत्र में या भोजपत्र में लिखे गए जो साहित्य है वो भी हमने उसमें डिजिटल फॉर्म में ले आए हैं। सो टेहरी में होने वाला है 20 और 21 जुलाई को, और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सबको निमंत्रण भी देता हूं कि आप जरूर आएं टेरी किताब गौतिक में। नमस्कार दोस्तों, आज हम मिलने वाले हैं श्री दयाल पांडे जी से, जो कि फाउंडर हैं क्रिएटिव उत्तराखंड संस्था के, जो कि उत्तराखंड में जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, और किताब गौतिक जो आपका मेला यहाँ पे लगता है उसके सर ऑर्गेनाइजर है, और मेयर पहाड़ मेयर प्रशांत जो आपका है उसके भी सर यहाँ पे जो है उसमें इंटरव्यू जो है उसका जो पूरा करता धरता है वो सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे क्रिएटिव उत्तराखंड के बारे में, या जो आपका जो जीवन हमने देखा हुआ है वो उत्तराखंड का जो कल्चर है या उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने का है, तो वो कहाँ से शुरुआत आपकी होती है? सर ये लगभग 2 दशक हो गए हैं जहाँ से मतलब ये जर्नी स्टार्ट हुई है। ये तब की बात है जब हम जैसे पढ़ते थे, पढ़ाई कर रहे थे कॉलेज में अल्मोड़े में, तो तब हमें शौक था मतलब कल्चर से जुड़ने का, या कहीं पर भी कुछ नया हो रहा है, कुछ कल्चर की बातें हो रही है, कुछ गाने बजाने का हो रहा है तो हम उसमें पार्टिसिपेट करते थे। इवन मोहल्ले में शुरुआत तो मैं कहूँगा कि ऐसे हुई कि मोहल्ले में सुंदरकांड हुआ करते थे, तो सुंदरकांड में उसके बुजुर्ग लोग जो उस मोहल्ले में थे वो वही किया करते थे, युवा लोग उससे दूर वो घूमने चले जाएंगे या कहीं और चले जाएंगे, लेकिन एक हमारा शौक था तो हम उसमें बैठ गए। जैसे बैठ गए तो फिर क्योंकि शौक था, मैं हारमोनियम बजाता था, एक हमारे मित्र हैं डॉक्टर शैलेश सुप्रेती, अभी US में हैं, वो साइंटिस्ट हैं, तो वो भी हमारे साथ थे, तो वो ढोलक अच्छा बजाते थे, तो हम अगर उनके साथ हमने सुंदरकांड में बैठे तो वो बहुत ही अच्छा हो गया, उसमें वो ढोलक बजा रहा था, मैं हारमोनियम बजा रहा था, तो इस तरह से उनको लगा, उन्होंने फिर हमारी ड्यूटी लगा दी, उन्होंने कि हर सैटरडे को सुंदरकांड होता है तुम यहीं रहोगे। अच्छा। और तो ये सिलसिला कॉलेज में भी रहा, कॉलेज में कल्चरल प्रोग्रामों में हम बढ़ चढ़ के भाग लेते थे, इवन जो कम्पटिशन होते थे, एक बार तो हम यहाँ से मतलब क्योंकि अच्छा प्रोग्राम दिया तो फिर हमारा सिलेक्शन UP में हुआ। अच्छा। और उसके बाद फिर पंजाब में, यानी मतलब पूरे स्टेट लेवल पे सेकंड पोजीशन तक रहे। अच्छा। तो वो शौक वहाँ तक गया। फिर हम कॉलेज से बाहर निकले जैसे ही, तो रोज़गार के लिए बाहर गए, तो मैं दिल्ली गया और भी हमारे 2-3 मित्र दिल्ली में आए। अच्छा, उन दिनों इंटरनेट का नया दौर था। अच्छा। तो इंटरनेट में हम जैसे दिल्ली में है तो हम खोजते थे अपने पहाड़ी को, जैसे मैं अल्मोड़े का हो तो याहू मैसेंजर में अल्मोड़ा। अच्छा। हमने वो किया। हाँ। तो हम कि अल्मोड़े के कितने लोग हैं करके, तो उसमें से उनको ढूंढते थे, तो इसमें से हमें बहुत लोग मिल गए। तो फिर हमने एक दिन कहा कि यार चलो हम ऐसे, देखो याहू मैसेंजर पर तुम ऐसे जैसे भेज रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन एक बार फिजिकली भी मिल लेते करके हमने दिल्ली IIT में, क्योंकि हमारा दोस्त पढ़ता था, तो दिल्ली IIT में एक मीटिंग रखी। अच्छा। तो जिसमें हमें हेमपंत जी भी उसमें मिले, इसमें चंदन डांगी जी मिले। अच्छा। अनुभव उपाध्याय जी हैं हमारे, शैलेश त्रिपाठी हैं, ये बहुत सारे लड़के हम वहाँ पर मिल गए। तो उसके बाद फिर हमने ये जो हमारा शौक था वो वाला कल्चर वाला वहाँ भी रखा, तो हम सैटरडे के इवनिंग को कुछ न कुछ या कुछ कल्चर का कुछ कार्यक्रम कर लेते थे, या किसी मुद्दे को लेके सेमिनार या बातचीत कर लेते थे, तो वो चलता रहा सिलसिला। तो हमारा ये काम को देख रहे थे लोग, तो उसमें से कुछ लोगों ने कहा कि यार तुम देखो इतना बढ़िया काम कर रहे हो, तो इसको एक संस्था का रूप दो, आप ये जो कर रहे हो इतने लोग इकट्ठे होकर कर रहे हो तो एक संस्था रजिस्टर्ड कर लो, तो बड़े क्रिएटिव लोग हो। तो हमने कहा तुम बात तो सही कह रहे हो यार, संस्था होनी चाहिए इसकी, लेकिन नाम क्या होना चाहिए, और इस पर सोचने लग गए। तो उन्होंने कहा नाम क्या रखते हो, तुम क्रिएटिव लोग हैं, क्रिएटिव उत्तराखंड ही रख लो इसको। तो हमने इसका नाम क्रिएटिव उत्तराखंड रख दिया, और फिर बाद में हमें लगा कि यार क्रिएटिव उत्तराखंड नहीं, कुछ अपनापन भी उसमें आना चाहिए, तो फिर हमने उसमें मेयर पहाड़ जोड़ दिया, तो पूरी संस्था का नाम हमने क्रिएटिव उत्तराखंड मेयर पहाड़ जोड़ कर दिया। तो इसका रजिस्ट्रेशन किया गया विधिवत वहाँ पे दिल्ली में। तो उसके बाद फिर जब रजिस्ट्रेशन हो गया था तो हमने पहला कार्यक्रम नैनीताल में किया, फिर हमारे साथ चारू तिवारी जी जुड़ गए, उन्होंने हमको गाइड किया, तो क्योंकि उनके पास आंदोलन का काफ़ी अनुभव था। तो जब हम नैनीताल में आए तो नैनीताल में फिर हमारे जो सेमिनार रखा था हमने, उसमें एक सेमिनार मतलब हिमालय की भूमिका क्या होनी चाहिए, मतलब देश की प्रगति में करके, ऐसा एक टॉपिक था।
उस पर ATI हॉल है नैनीताल में, तो उसमें एक सेमिनार रखा गया जिसकी अध्यक्षता गिरदा ने की। अच्छा। और गिरदा के साथ वो पहली मुलाकात थी, और पहली मुलाकात ही इतनी अच्छी रही कि गिरदा इतने खुश हो गए। उन्होंने कहा तुम युवा लोगों को ये सोच है कि तुम मतलब हिमालय के बारे में सोच रहे हो और पहाड़ के बारे में सोच रहे हो। तो उन्होंने जो वहाँ भाषण दिया वो गजब का था। उन्होंने ये कहा कि यार हम आपका आह्वान कर रहे हैं, आप आओ और हमारे कंधे में चढ़ो और आगे आगे लांगो करके, मतलब बहुत ही अच्छा मोटिवेटिव उनका वो भाषण था। उसमें उसमें शेखर पाठक जी भी थे, उसमें राजीव लोचन शाह जी थे, उसमें शमशेर सिंह बीजी थे, जंतवाल जी थे, पुष्पी त्रिपाठी जी युवा विधायक थे उसमें, वो भी वो हमारे टीम के ही हैं, तो वो भी उसमें थे। तो उसमें बड़े बड़े लोग उसमें जब तब के जो एक्टिविस्ट थे, पत्रकार थे, वो काफ़ी लोग उसमें थे। वो बहुत ही अच्छा वो सेमिनार रहा, क्योंकि जैसा हमने बताया हमको गाने बजाने का शौक था करके, तो हमने क्या किया, हमने उन दिनों गाने जो आ रहे थे फुहड़ आ रहे थे एकदम से, मतलब तो हमने कहा नहीं यार इनका स्वरूप बदलना चाहिए। उसके लिए भी हमने काम किया, हमने खुद गाने बनाए, खुद ही कंपोज किए, खुद ही गाए भी। अच्छा। तो वो उसकी एक CD भी बनाई थी, उसका नाम मेयर पहाड़ रखा था हमने। फिर वो मेयर पहाड़ 1, मेयर पहाड़ 2, मेयर पहाड़ 3 करके लगातार हम 3 CDs लाए थे उसमें। और इसके अलावा पब्लिकेशन का भी हमने काम शुरू किया था। एक किताब हमने उसमें किताब भी आई थी, जैसे उत्तराखंड की लोकोक्तियों पर एक किताब थी, उसका संकलन मैंने किया था। तो फिर बाद में उसका 2nd वॉल्यूम भी आया 2008 में, उसका आणका था हमने उसका। अच्छा, किताब का नाम दिया था। तो यहाँ से जर्नी गई, फिर हमने लगातार कुछ न कुछ काम हम करते गए। जैसे रहते दिल्ली में थे, नौकरी हम वहाँ नौकरी करते थे, या जो जैसे PhD कर रहे थे शैलेश सुप्रेती, या कुछ लोग पढ़ रहे थे हमारे, एक नंदन बिश जी हैं आज अल्मोड़े में प्रोफेसर हैं फिजिक्स के, वो भी हमारे साथ हैं। तुलसी अन्ना भी कहीं बाहर हैं टीचर, वो भी प्रोफेसर ही हैं। तो ये हमारी टीम थी, तो हम लोग लगे रहे, कुछ न कुछ काम हम करते रहे। फिर बाद में हमने जो एक काम ये किया, जो हमारे जो प्रतिभाएं हैं जो पुरानी हैं, जो पहले थे अब नहीं हैं, तो हमने उनको याद करना शुरू किया। हमने उनके बहाने उनका एक पोस्टर हम रिलीज करते थे, जबकि सबसे पहला पोस्टर हमने श्रीदेव सुमन जो टेहरी विरासत के, उनका बड़ा आंदोलन रहा उसमें, इवन उनके वो शहीद भी हुए 84 दिन का, हम सब 84 दिन का, बिल्कुल बिल्कुल 84 दिन का उनका अनशन रहा था, तो डेथ उनको शहीद हो गए थे। तो उनका पोस्टर पहले हमने लॉन्च किया, उसके बाद लगातार विपिन त्रिपाठी जी का, श्रीदेव सुमन जी का है, और मदन मोहन उपाध्याय जी हैं, इस तरह से 120 से ज़्यादा हमने पोस्टर आज तक निकाल दिए हैं। और इतने लोगों को हम हमेशा याद भी करते हैं, हर साल उनकी पुण्यतिथि पर उनको याद किया जाता है। बिल्कुल। और फिर हमने हमारे साथ, क्योंकि टैलेंटेड लोग तो थे ही, लोग यूनिवर्सिटी में थे, जैसे JNU में कुछ लोग थे, दिनेश गेटाई JNU में थे, शैलेश सुप्रेती IIT दिल्ली में थे। तो हमने उन दिनों, क्योंकि एक बड़ी दिक्कत थी पहाड़ में कि हमने 12वीं कर लिया, अब क्या करें, तो करियर काउंसलिंग का भी हमने एक उसमें वो जोड़ा। तो हमारे साथी लोग करियर काउंसलिंग करने, हम पूरे उत्तराखंड में गए, सभी जगह हमने करियर काउंसलिंग किया बच्चों के लिए। और एक काम हम, जैसे हमने बताया जैसे विपिन त्रिपाठी जी का हम कार्यक्रम हमेशा करते थे दोराहाट में, इवन हमने शुरू में मांग भी यही रखी थी, जो इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम विपिन त्रिपाठी जी के नाम से है, तो हमने वो आवाज उन्हीं के उसमें बनी थी। बिल्कुल, UKT उनके उसमें बनी थी, UKT के बहुत लोग थे, कासिंगेरी जी भी थे, उन बिल्कुल DD Pant जी का भी पोस्टर हमने जारी किया। इस तरह से बहुत सारे पोस्टर तो हैं। फिर उसमें हमने उनके पुण्यतिथि पर बड़ा कार्यक्रम करते थे, तो उसमें और भी किताबें, जैसे चकबंदी पर भी एक किताब हमारी आई थी। अच्छा। और फिर बागेश्वर में जैसे मेला होता, तो वहाँ भी हम लगातार कार्यक्रम करते थे बागेश्वर मेले में, तो हमर विरासत करके हमने वहाँ पर एक बहुत अच्छी मैगजीन वो आई थी उन दिनों, तो पब्लिकेशन का भी काम शुरू किया था। मतलब इस तरह से अपने कल्चर से रिलेटेड, अपने संस्कृति से रिलेटेड बहुत सारे काम हम लगातार करते आए। फिर चारुदा जब से हमारे साथ जुड़े, तो उनका तो अपने को तो इंसाइक्लोपीडिया है उत्तराखंड के, तो उन्होंने एक प्रदर्शनी बनाई बहुत अच्छी, जो इतिहास के आईने में उत्तराखंड करके है। उसका बहुत, अभी भी हम जहाँ भी ये प्रोग्राम करते हैं तो हम क्या करते हैं कि वो प्रदर्शनी भी लगाते हैं, तो उसमें लगभग उत्तराखंड के 200 साल का इतिहास वहाँ आ जाता है उस प्रदर्शनी में। बहुत अच्छी प्रदर्शनी होती है, कभी आपको मौका मिले तो आप भी ज़रूर देखिएगा उसको। तो यही रहा, बस ऐसे ही चलते रहा। देखिए आपने बहुत यहाँ पे
जो विस्तार में बताया, तो मेरे को दो तीन चीजें लगी। पहला तो एक जो समस्या सबके साथ है, आप भी दिल्ली नौकरी करने गए, मैं भी पहले दिल्ली नौकरी करने गया था, हमारे साथ के बहुत लोग जाते हैं, आज भी युवा लोग जाते हैं, तो पहले तो हम पलायन पे बात करेंगे थोड़ी देर में। फिर जैसे आपने बहुत सारे यहाँ पे जो आंदोलनकारी है, जैसे आपने गिरदा के बारे में बात की है, इनके बारे में या इनके साथ आपका क्या क्या एक्सपीरियंस है, गिरदा से ही हम शुरुआत करते हैं, उनके साथ कोई अच्छा सा एक्सपीरियंस आप बताना चाहेंगे जो नए लोग मोटिवेट हो सके उसके बारे में। देखो, एक तो मैंने वही बताया था कि गिरदा ने जो जो भाषण दिए थे उनको बहुत अच्छा लगा कि युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं करके। फिर उनका जो एक एक गाना जो उनका है, जो आंदोलन के गीत हैं, वो बहुत ही, वो जब भी हम गिरदा को सुनना आज भी बहुत ही पसंद करते हैं कि जैता एक दिन तो आलो दिन ये दुनिया में, और यह साउनली साँझ आगाज खुला है वो दिगो लाली करके, उनके इतने बढ़िया बढ़िया उत्तराखंडा मेरी जन्मभूमि करके। तो वो जहाँ जहाँ जाते थे, कभी से मिलन में वो आते थे, दिल्ली भी आए तो हम उनको नहीं छोड़ते थे, तो वो हमारे लिए एक रोल मॉडल बने कि हमने उनको फॉलो किया और इस तरह से अपना कारवां आगे बना। सर, जैसे अभी हम आपसे लोकोक्ति या मुहावरे के बारे में बात कर रहे थे, तो एक जो प्रॉब्लम मुझे दिखती है या आप लोगों को भी शायद दिखती होगी, जो आज का हमारा युवा वर्ग है या हम खुद लोग भी हैं, हम पहाड़ी भाषा या अगर हम बात करें कुमाऊनी भाषा या गढ़वाली भाषा जो है वो बहुत कम लोग बोल रहे हैं, या जैसे आपका एक पेज भी है कुमाऊनी शब्द समता जो है, तो उस बारे में थोड़ा सा बता देंगे ये प्रॉब्लम जो है कहाँ से है, मतलब इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। देखिए, इसमें यह है कि हम अपनी भाषा को आत्मसात नहीं कर पाए हैं, वो उसके कई कारण हैं। उसका कारण एक भी ये भी रहा है, जैसे हम कहते हैं कि हमारी मनी ऑर्डरी जो है वो अर्थव्यवस्था मनी ऑर्डर की है करके, क्योंकि हमारे लोग कमाने के लिए हमेशा बाहर ही गए, उन्हें मनी ऑर्डर भेजा। तो जब हम बाहर जाते हैं तो बाहर में शुरू में जो था कि एक मतलब कि यार पहाड़ी आ गया करके, मतलब एक मतलब वो रिस्पेक्ट टाइप से नहीं था, क्योंकि हमारे जॉब छोटे छोटे होते थे होटलों में और उसमें दुकानों में, ऐसे हमने काम किया तो आइडेंटिटी छुपाने की बात आती थी। हमें हमारे जो हमसे पहले के थे उनको ये लगा होगा कि यार नहीं, हम पहाड़ी कहेंगे तो लोग हमें कहेंगे कि यार ये तो गरीब है या ऐसे करके, तो एक कारण रहा होगा। तो हमने क्या किया, घर में भी अपनी बोलचाल क्या है हिंदी बोलना शुरू किया, इवन हमने अपने बच्चों को हिंदी में बात करना है उनको, उनसे हम कुमाऊनी बात नहीं करते, हिंदी में बात किया, तो जिससे क्या हुआ कि हमारी ये जो भाषा है वो कम होते गई। मतलब तो अभी हम प्रयास करें अभी दोबारा से, क्योंकि बाद में जब हम भी बाहर निकले तो पढ़ लिख के निकले, तो एक सिनेरियो चेंज हुआ कि हाँ नहीं, पहाड़ के लोग तो अच्छे पढ़े लिखे भी होते हैं। अच्छे आज भी देखना आप, चाहे वो सरकारी में हो या प्राइवेट में हो, पहाड़ी लोग जितने भी हैं सबकी पोजीशन बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे है, तो अभी वो चीज़ नहीं है अब। लेकिन संकट क्या है कि हम इतने आगे चले गए कि हम वो अब बच्चों को उनको सिखा नहीं पा रहे हैं। ये भी हमारे बच्चे अब हम अंग्रेजी की तरफ को ज़्यादा चले गए, तो बच्चे अंग्रेजी में बोलते हैं, या फिर हम घर में बच्चों से पहाड़ी में बात करें, कुमाऊनी में बात करें, गढ़वाली में बात करें, तो वो चीज़ें आ सकती हैं। तो इसीलिए एक जो आठवीं अनुसूची में का संकट आ रहा है कि हमारी भाषा, मतलब इतना 2 करोड़ की जनसंख्या हमारी कुमाऊनी गढ़वाली की होते हुए भी हम उसको आठवीं अनुसूची में नहीं ला पा रहे हैं, तो उसका कारण ये है। उस पर हम काम कर रहे हैं, जैसे ये जो हमारा काम है, एक आपने जो बोला कुमाऊनी शब्द संपदा, हमने एक पेज उसमें बना रखा है जिसमें हम कुमाऊनी शब्दों को उसमें प्रमोट कर रहे हैं और उसमें लोगों को जोड़ रहे हैं कि कुमाऊनी बोलने से। और एक हमने अभी लॉकडाउन में, क्योंकि लॉकडाउन में सब बंद हो गया था, बाहर कोई निकल रहा था, तो कि हम कुछ करने वाले हैं, तो हमें हो गया यार अब क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए करके। तो हेमपंत जी को उनका आइडिया था ये, उन्होंने कहा यार ऐसा हम कुमाऊनी में लोगों का इंटरव्यू कर सकते हैं, तो उन्होंने शुरू किया। हमने फिर एक कुमाऊनी में इंटरव्यू में और पहाड़ में और पछाड़ करके, तो वो एक यूट्यूब चैनल है, उसमें हमने लगभग अभी 246 कर दिए उसमें इंटरव्यूज हो चुके हैं, तो वो कुमाऊनी में ही होता है। उसमें हम किसी न किसी प्रतिभा को लाते हैं जो कुमाऊनी, जो उनका अहदा भी अच्छा होता है, अच्छे पोजीशन पर भी होते हैं और कुमाऊनी में बात भी कर सकते हैं, वो दूसरे के लिए एक तरह से सीख बनती है। तो हमने इस तरह से ये 246 इंटरव्यू वो कर दिए हैं। उसी में हमने हमर पुरुख करके एक उसी में मेर पहाड़ मेर पछाड़ में, कि जो प्रतिभा अब हमारे बीच में नहीं है उसके बारे में भी हम 2 पैनलिस्टों को लाके कुमाऊनी में ही वो उस पर बात करते हैं। और इसी में वो जोड़ा हमने, क्योंकि हम कुमाऊनी गढ़वाली को अलग नहीं मानते हैं, तो हमर पुरुख करके भी एक कार्यक्रम है उसमें, जिसमें एक जो इंटरव्यू देने वाला है वो गढ़वाली होगा और लेने वाला कुमाऊनी है, इसका वाइस वर्सा, इसका उल्टा हो जाएगा कि इंटरव्यू लेगा गढ़वाली में और कुमाऊनी में, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, समझ में आ जाता है। मतलब इस तरह से एक भाषा का समावेश जो है
वो भी हो सकता है। तो ये तीन प्रोग्राम हमने मेर पहाड़ मेर पहचान कार्यक्रम में अच्छा। चला रखे हैं है। और इसके अलावा हमने साइट से भी शुरू में भी साइट से बहुत काम किया, जब इंटरनेट नया नया था तो हमने वेबसाइट्स बनाई, जैसे मेरा पहाड़ .com है, उसमें हमने सारी सामग्री जो उत्तराखंड की है उसमें मिल जाती है। आज भी अच्छा। आज भी आप सर्च करोगे तो जो गवर्नमेंट के साइट में आपको नहीं मिलेगी वो वहाँ मिल जाएगी। तो उस पर भी बहुत काम हुआ। अभी कुमाऊनी आर्काइव .com करके अभी एक वेबसाइट और हमारी है, जिसमें हम जो पुराने से पुराना जो साहित्य है उसको डिजिटल फॉर्म में रख रहे हैं अच्छा। उसका डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। तो उसमें हमने लगभग हज़ारों किताब ऐसे रख दी हैं उसमें, और फ्री टू डाउनलोड है, उसको कोई भी फ्री में डाउनलोड कर सकता है। और जो इवन जो 100 साल पहले या 200 साल पहले जो ताम्रपत्र में या भोजपत्र में लिखे गए जो साहित्य है वो भी हमने उसमें डिजिटल फॉर्म में ले आए हैं उसमें। तो कंटिन्यूस कुछ न कुछ काम हो रहा है इसमें, भाषा पर भी हो रहा है और वैसे भी हो रहा है। अब जैसे हम यहाँ पे अभी तो चलिए हमने कुमाऊनी या जो हमारी लोकल भाषा है पहाड़ी भाषा उसके बारे में बात करी। अब एक समस्या जो हम देखते हैं जो आज के युवा है, जैसे हम किताब क्वालिटी के बारे में बात करना चाह रहे हैं, जो युवा है वो कह रहे हैं कि किताबों से जो है वो दूर होता जा रहा है, वो मोबाइल पे ज्यादा आ रहा है। तो जो किताब क्वालिटी आप लोगों ने चलाया बहुत जगह आप लोगों ने कर दिया है, अब आप लोग जो है वो टीवी में करने वाले हैं, तो थोड़ा उस बारे में आप बताना चाहेंगे। हाँ, ये भी एक तरह से ये लॉकडाउन के दौरान ही हुआ। देखो मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है, स्मार्टफोन बहुत अच्छा है कि इन्फॉर्मेशन जाती है, इधर उधर जाती है, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, सूचना के लिए तो बहुत बढ़िया है। और हमने क्या किया लॉकडाउन में, बच्चों ने खासकर बच्चों को उसी से पढ़ना हुआ, ऑनलाइन क्लासें चली, तो फिर वो एक तरह से आदि हो गया मोबाइल का। आज हमारी बच्चों की छोड़ो हमारी भी पढ़ने की मतलब बहुत आदतें बहुत कम हो गई। हम भी कुछ ही किताब लाएंगे भी तो पूरा या आधा पढ़ेंगे या ये कर देंगे, इस तरह से मोबाइल पर डिपेंडेंसी ज़्यादा होगी। लेकिन जो मोबाइल पर डिपेंडेंसी है वो मोबाइल में हमेशा या गूगल पर हमेशा ऑथेंटिक चीज़ें आप मिले ये सही नहीं है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो किताबों का होना बहुत ज़रूरी है, किताब एक दस्तावेज होते हैं, उनको पढ़ा जाना चाहिए। तो ये सोच के हमने किताब कौतिक एक अभियान चलाया। हमने शुरू में ट्रायल बेस पर इसको टनकपुर में किया, हमने कहा है तो ये पुस्तक मेला ही है, बस उसको एक लोकल फ्लेवर देने के लिए उसका नाम किताब कौतिक रखा। तो टनकपुर में जब हमने शुरू किया था 2022 में, दिसंबर 2022 में, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आ गए, इतने छोटा सा कस्बा है टनकपुर, 10,000 से ज़्यादा बच्चे आ गए और बहुत अच्छा लगा वो कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। और दूसरे दिन वहाँ मुख्यमंत्री भी आ गए अच्छा। तो मुख्यमंत्री जब आए तो मुख्यमंत्री जी ने देखा सारा, उनको लगा कि यार तो बहुत इनोवेटिव चीज़ है, तो उन्होंने मन से भी कह दिया कि ऐसे कार्यक्रम प्रदेश में सभी जगह होने चाहिए। तो फिर लोगों को पता चला अच्छा कार्यक्रम रहा, तो फिर हमें बागेश्वर से भी ऑफर आया कि आप यहाँ करो, फिर जगह जगह से भी चंपावत से आया। तो इस तरह से हमने फिर टनकपुर के बाद बैजनाथ में किया, और बैजनाथ के बाद चंपावत में किया, चंपावत के बाद पिथौरागढ़ में किया, फिर दोराहाट में किया, फिर भीमताल में किया था हमने, और नानकमत्ता में किया, हल्द्वानी में किया था, उसके बाद पिछले महीने रानीखेत में हमने किया था किताब कौतिक। बस हमारा इसका उद्देश्य ये है कि बच्चों में पढ़ने लिखने की संस्कृति डेवलप हो। बच्चे मोबाइल से तो पढ़ें लेकिन किताबों को भी देखें मतलब। तो इसमें हमको मानता है कि हमको लगता है कि 5% या 10% भी हम इसमें सक्सेस हो गए, बच्चे किताबों की तरफ आने लग गए, तो हम इसको अपनी सफलता मानते हैं, और ये हो भी रहा है। हमारे यहाँ पे जितने पब्लिशर आते हैं लगभग 50-60 पब्लिशर आते हैं, और 60-70 हज़ार किताबें सभी जगह रहती हैं, तो बहुत अच्छी किताबें बिक भी जाती हैं। सर थोड़ा सा जो आप टिहरी, सॉरी मैं आपको टोकरा था, आप बताएं तो टिहरी के बारे में भी लोगों को थोड़ा सा आमंत्रण आप देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से। हाँ बिल्कुल, मैं आने वाला था इस पर कि क्योंकि हमने कुमाऊँ में तो लगभग 9 किताब कौतिक कर दी हैं, तो सब में अच्छा रहा। उसमें बाहर से हम साहित्यकारों को भी बुलाते हैं, उसमें थिएटर के लोगों को भी बुलाते हैं, और ये मल्टी डायमेंशनल मतलब बहुआयामी ये हमने बना दिया। इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। इससे पहले आपने कहा कि टेरी किताब कौतिक, तो हम क्योंकि कुमाऊँ में हो गए थे तो फिर हमने कहा गढ़वाल में भी होनी चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं इसको पूरे प्रदेश भर में करें, और पूरे प्रदेश भर से हमें फ़ोन कॉल आ रहे हैं कि यहाँ भी करो, जैसे पौड़ी से भी आ रहा अभी, और वहाँ से सतपुली से आ रहा, उधर उत्तरकाशी से आ रहा, इसके अलावा भी हमें दूसरे, एक बार मेरे को छत्तीसगढ़ से फ़ोन आया कि आप जिस मॉडल पे यहाँ कर रहे हो वही वाला आप पुस्तक मेला छत्तीसगढ़ में भी कर सकते हैं क्या। हमने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, आप तैयारियाँ करो। तो अभी बात चली रही है वहाँ की। ऐसे ही यूपी से भी दो जगहों से फ़ोन आ गया, इलाहाबाद से आया, एक लखनऊ से कहीं से आया कि ये किताब कौतिक आप यहाँ भी करो करके, क्योंकि इसमें हमने पुस्तकों को तो सेंटर में रखा है,
इसके अलावा जैसे बच्चों के कंपटीशन भी बहुत कराते हैं, जैसे कि मतलब जैसे चित्रकला पर उनके कंपटीशन हो गया, फोटोग्राफी का हो गया, अर्पण का हो गया, क्विज हो गया, ये बच्चों के लिए रखा है। एक वर्कशॉप भी उसमें बाल प्रहरी के संपादक जो हैं उदय किरोला जी, 5 दिन का उससे किताब कौतिक से पहले हम एक वर्कशॉप रख देते हैं, तो उसमें वो 5 दिन में बच्चों को इतना बढ़िया बना देते हैं। इवन बच्चों ने जो 5 दिन में जो एक्टिविटी करी होती है उसका एक हर बच्चे की एक मैगजीन होती है। अच्छा। जिसको हम वो किताब कौतिक में भी उसका एग्जीबिशन लगाते हैं। तो टेहरी में होने वाला है 20 और 21 जुलाई को, और मैं आपके माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से सबको निमंत्रण भी देता हूँ कि आप जरूर आएँ टेहरी किताब कौतिक में। इवन इस नरेंद्र सिंह नेगी जी को जब हमने बोला तो वो भी काफ़ी खुश हुए, उन्होंने कहा बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग, और मैं भी जरूर आऊँगा वहाँ पे करके, तो वो भी आ रहे हैं, तो एक अच्छा कार्यक्रम होने वाला है। तो इसमें और एक्टिविटी जो मैं कह रहा था कि किताब कौतिक एक मतलब एक बहुआयामी कह करके, तो उसमें सेंटर में किताबें तो ही होती हैं, तो फिर हम जो एक्सपर्ट हमारे आते हैं जो साहित्यिक डिस्कशन होते हैं उसमें साहित्यिक चर्चा परिचर्चाएँ होती हैं, 2-3 का कार्यक्रम होता है, तो जो हमारे गेस्ट आते हैं उनको हम पहले दिन क्या करते हैं लोकल के जितने स्कूल होते हैं उन स्कूलों में फैला देते हैं कि वो अपना अनुभव बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें और उनको भी बताएं कि जैसे अभी तक क्या हुआ 2000 के बाद मुझे ऐसा लगता बड़ी बाढ़ सी आई हुई है कि या तो बच्चा इंजीनियर हो या डॉक्टर हो। हाँ। तो हमने ये कहा कि नहीं, इसके अलावा और भी करियर ऑप्शन होते हैं, जैसे लेखक आप बन सकते हैं, आप थिएटर का आप थिएटर में काम कर सकते हैं, आप मीडिया में काम कर सकते हैं, आप पत्रकार हो सकते हैं। और इसमें एक मतलब स्टॉल हम जो हमारे हैंडीक्राफ्ट हैं जो लोकल जो हुनर है उनको भी स्टॉल देते हैं और वहाँ भी बच्चों को दिखाते हैं कि बस ये भी एक हुनर है। जैसे मंजूषा है हमारी साथ हमेशा आती हूँ, तो वो उन्होंने पिरूल के बहुत सारे इतने अच्छे अच्छे आइटम बना रखे हैं, तो मतलब पिरूल हमारे लिए जो जंगलों में आग लगने का काम है, तो अगर हम उसका यूटिलाइज करें तो ऐसा भी बन सकता है, वो एक मॉडल वो भी है। अर्पण में अर्पण में कई लोग हमारे साथ आते हैं, या अमनी पांडे आती है, या इवन हम आजकल स्मृति चिन्ह भी दे रहे हैं तो अर्पण की कुछ चीज़ें बना के दे दे रहे हैं लोकल, तो इस तरह का है इसमें। और एक चीज़ हम जो दूसरे दिन मॉर्निंग वॉक करते हैं उसको हमने नेचर वॉक का नाम दिया है, वो भी बहुत ही अल्टीमेट, वो एक तरह से चलती फिरती वो प्रयोगशाला होती है। उसमें हमारे साथ 2 एक्सपर्ट होते हैं, एक राजेश भट्ट जी हैं रामनगर से आते हैं, वो 300 से ज़्यादा चिड़ियाओं की या जानवरों की आवाज़ निकाल देते हैं, तो वो हमें बर्ड वॉच कराते हैं सुबह सुबह, जो जो रास्ते में जितनी हमें बर्ड्स मिलेंगी उनके बारे में बहुत डिटेल में बताते हैं और खुद आवाज़ भी निकाल देते हैं वैसे, ये बहुत ही मतलब वो हुनर तो उनका गजब का है। और हमारे साथ एक बॉटनिस्ट हैं, वनस्पति वैज्ञानिक डॉक्टर बी एस कालाकुटी जी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी में सबसे पहले बॉटनी से PhD करने वाले वही हैं। अच्छा। तो वो भी हमारे साथ हैं, उनका हर्बल में बड़ा काम है, मतलब उन्होंने हर्बल मेडिसिन पे काम किया है, तो रास्ते में जितने भी पेड़ पौधे मिलेंगे, जितने भी प्लांट्स मिलते हैं तो उनके बारे में वो बताते हैं, उनका वैज्ञानिक नाम हो गया, उनका लोकल नाम क्या है, और उनका मेडिसिन कौन सी बन सकती है, कहाँ कहाँ यूज होता है, उसका कितना स्कोप है, वो भी सारी चीज़ें बताते हैं। तो इस तरह से वो जो किताब कौतिक वाला कार्यक्रम है वो अल्टीमेट है, बहुत एक अनूठा है मतलब। और मैं आपको भी इनवाइट करता हूँ, आप आइएगा, हल्द्वानी में तो आप आए होंगे, तो वो टेहरी भी आप जरूर आओ। जी आएंगे सर, आएंगे। तो आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप टिहरी में किताब कौतिक में जाना चाहें तो आपको सादर निमंत्रण है पूरी टीम की तरफ से, तो आप वहाँ पे जरूर जाएं। अब सर लास्ट में थोड़ा सा आप लोग हमारे जो युवा लोग हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जो अपने उत्तराखंड को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाह रहे हैं या अपने जीवन में थोड़ा सा और अपग्रेड होना चाह रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनसे मैं ये कहना चाहूँगा युवाओं से, एक तो अपनी जड़ों से जुड़े रहें, मतलब जैसे हमारी भाषा का है, कोशिश करें भाषा, और मैं आप जो माता पिता हैं पेरेंट्स जो हैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कि वो अपने बच्चों से कुमाऊँ में भी बात करें। एक तो जब भाषा आपके अंदर, जब अपनी भाषा में बोलते हैं तो अपने संस्कृति से, अपनी कला से, मतलब अपनी सारी चीज़ों से जुड़ जाते हैं, तो भाषा का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो सारे बच्चे जो हैं वो भाषा से जुड़ें, और बाकी जो ये मोबाइल का हम हर जगह प्रयोग कर रहे हैं,
हाँ ठीक है, जहाँ आपको ज़रूरी लगता है वहाँ पर आप मोबाइल का प्रयोग तो करो, लेकिन किताबों को भी पढ़ो। किताबें जो होती हैं वो एक ऑथेंटिक दस्तावेज होती हैं, तो किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे किताबों से भी ज़रूर जुड़ें, ये मैं कहना चाहूँगा सारे बच्चों से। बहुत बहुत अच्छा सर यहाँ पर आपने कहा। और अगर किसी को आपसे जुड़ना हो, चाहे युवा हो जैसे आप माता पिता कह रहे हैं, या जो आपकी एज के हैं, हमारी एज के हैं, वो उत्तराखंड में कुछ अच्छा काम करना चाहें और आपके साथ जुड़ना चाहें, तो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं? बिल्कुल, आप वो जुड़ सकते हैं हमसे। मैं तो कहता हूँ कि जो एक हमने एक अभियान किताब कौतिक का चला रखा, आप इसमें आइए, इसी से जुड़िए, और कभी भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे, चाहे आप वो क्रिएटिव उत्तराखंड के पेज पे जाओ या हमारे खुद के प्रोफाइल पे जाओ, तो हमारा नंबर मिल जाएगा, आप फ़ोन कर सकते हैं, आप कहीं भी जुड़ सकते हैं, आप मेर पहाड़ मेर पछाड़ में जुड़ सकते हैं, आप कुमाऊनी भाषा कुमाऊनी शब्द संपदा से जुड़ सकते हैं, आप किताब कौतिक से जुड़ सकते हैं, आप हमारे वेबसाइट के माध्यम से जुड़ सकते हैं, merapahad.com है, जैसे kumaoniarchive.com है, तो किसी भी माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। तो एक वो है, एक हम आपका आह्वान करते हैं और एक अभियान को आगे बढ़ाते हैं, ये मेरा कहना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सुना, और क्योंकि आपने मौका दिया, आपका धन्यवाद।